मैं हूं सुषमा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। आज प्रतापगढ़ में वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बता दें कि 2:55 पर प्रतापगढ़ के करमाही हेलीपैड पर सीएम पहुंचेंगे। एमएलसी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को आवास जाएंगे और 4:25 पर वाराणसी पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से सर्किट हाउस आएंगे, यहाँ पर शाम 5:30 से जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। शाम 7:30 से सीएम का स्थलीय निरीक्षण शुरू होगा। सबसे पहले वह एलटी कॉलेज के अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से निर्मित मेगा किचन को देखेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आफताब आलम वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी में आज कब तक सीएम पहुंचेंगे आफताब, और क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? आपको बता दें कि आज अपने 2 दिन के दौरे पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं। पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर 5:15 हेलीकॉप्टर से वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद वहाँ से सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहाँ वहाँ अपने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद वह आला अधिकारियों संग बैठक करेंगे। और क्या कुछ जी आफताब, और क्या उनके खास कार्यक्रम है वहाँ पर? जी 7:30 लगभग स्थलीय कार्यक्रम में पहुँचेंगे, जहाँ एक इंटर कॉलेज कॉलेज में जाकर के वहाँ पर उसका किचन को देखेंगे। और उसके बाद वो चिल्ड्रेन में जाकर के उसका निरीक्षण करेंगे। आफताब, अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी, और आने वाले आगामी चुनाव को लेकर क्या सारे दौरे किए जा रहे हैं? सारे मंत्री नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। जी आगामी चुनाव को देखते हुए भी समीक्षा कर रहे हैं और उसका जायजा भी कर रहे हैं। और अहम बात यह है कि अगले महीने में 7 से 10 तारीख तक पीएम मोदी का आगमन बनारस में हो सकता है, इसको लेकर के भी वो समीक्षा बैठक करेंगे। क्योंकि वो शिक्षा विभाग के जो है कि पूरे देश से और राज्य के सभी कुलपति यहाँ पर इकट्ठा होंगे, उसको भी लेकर के यहाँ पर अधिकारियों संग बैठक कर सकते हैं। जी आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद आफताब। वही 2024 के आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार तैयारियों में जुटी हुई है सारी पार्टियां, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से चुनावी मोड में रहती है, इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है प्रतापगढ़ और वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे। पहले वो वाराणसी जाएंगे, एमएलसी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर जाएंगे। वहीं 4:30 वाराणसी पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से सर्किट हाउस जाएंगे, यहाँ 5:30 जनप्रतिनिधियों से साथ भी संवाद करेंगे। उसके साथ ही सभागार के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। शाम 7:30 सीएम योगी का स्थलीय निरीक्षण शुरू होगा, उन लगातार कार्यों का जायजा भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले एलटी कॉलेज के अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से निर्मित मेगा किचन को भी देखेंगे। वही संवाददाता प्रेम प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है प्रतापगढ़ में? जी बिल्कुल, बता दें आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रतापगढ़ में दौरा है। आज बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के घर जाएंगे, उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। जनपद प्रतापगढ़ में आज 2:55 पर तकरीबन उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड होने की बात की जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा पट्टी में पूर्व मुख्यमंत्री जी के दौरे पर आएंगे। जी क्या कुछ खास हो सकता है इस दौरे में? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ में लगातार जो राजनीतिक हलचल वो बनी है, उस पर लेकर अभी हाल में ही जिस तरीके से सपा विधायक आरके वर्मा ने किस तरीके से, आपने देखा होगा कि लगातार जो पोल थी वो टेक्निकल कॉलेज की थी, जिस तरीके से उन्होंने उसको जर्जर किया था, ऐसे में सुबह में जिस तरीके से प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री जी का आना, ये कहीं ना कहीं एक हलचल हो सकता है। लेकिन जो उनका कार्यक्रम है, जो प्रतापगढ़ में अभी तक जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, वो कहीं ना कहीं अब तक पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के घर जाकर उनकी माँ के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने की गई है। जी इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के बाद आगरा के पारस हॉस्पिटल में माइक ड्रिल की गई थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसी पूरी घटना का कबूलनामा भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन अब प्रशासन ने पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देते हुए न सिर्फ हॉस्पिटल को क्लीन सील मुक्त करने के आदेश दिए हैं, बल्कि डॉक्टर अरिंजय जैन को भी दोष मुक्त कर दिया। आपको बता दें कि पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के 4 वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें खुद मौत की मॉक ड्रिल करने की बात कहते हुए 96 मरीजों को ऑक्सीजन 0 करने की बात बोल रहे थे। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की जहां एक तरफ भारी किल्लत थी, भारी किल्लत के बीच ऑक्सीजन के लिए दौड़ते लोग रोडों पर नजर आ रहे थे, लोगों ने अपने को गवाया। इस बीच आगरा के पारस हॉस्पिटल से एक घटना सामने आई थी, जहां पर ऑक्सीजन की कमी मॉक ड्रिल होने के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी, जिस मामले में अब डॉक्टर को क्लीन चिट दे दिया गया है। संवाददाता जिशान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या कुछ पूरा मामला है, अब डॉक्टर को क्लीन चिट दे दिया गया है इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी कोरोना की, उसी में पारस हॉस्पिटल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज वायरल हुआ था। वो वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला मीडिया में आया, मीडिया में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला चला था, जिसमें डॉक्टर खुद कबूल कर रहे हैं कि 5 मिनट की मॉक ड्रिल कर दी जाए, जिससे कि जो मरीज वहां पर 96 मरीज हैं उनकी कुछ छटाई हो जाएगी, जिसमें से 22 मरीज वहां पर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वहीं पर मर गए थे, जिससे शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा भी मच गया था, जिसके बाद ये उच्च स्तर पर पूरा मामला पहुंच गया। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर सील लगा दी गई, जिसके कुछ ही 1-1.5 साल के बाद हॉस्पिटल की सील खोल दी गई है और डॉक्टर को भी क्लीन चिट दे दी गई है। इसी पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल वाजपेयी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आगरा में 9 जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों के संज्ञान में था मामला, उसके बावजूद भी पारस हॉस्पिटल को, जो मौत का सौदागर है, उसको क्लीन चिट कैसे दे दी गई? जी के लिए आपका धन्यवाद जीशान। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज बाजार में मिशन शक्ति फेज 4.0 के तहत ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया, जिसमें 10 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त करा दिया गया है। इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पुलिस के साथ नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों की तलाशी ली, आगे से बाल श्रम कराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। टीम ने सभी बाल श्रमिकों को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने को ले गई। जिलाधिकारी ने जनपद में बने स्मार्ट क्लासों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचकर स्मार्ट क्लासों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें स्मार्ट क्लासों का संचालन 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। वही निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। जिले में नगर पंचायत रेणुकूल में अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनीता शुक्ला ने के नेतृत्व में एक काम का सफल आयोजन किया गया। काम में जिला प्रोबेशन, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण और जिला समाज कल्याण अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। 24 दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाए गए और 6 दिव्यांगों को इलाज के लिए वाराणसी के लिए रेफर किया गया। बुलंदशहर में अग्निपथ योजना को लेकर अहमदगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। रानीवाला चौराहे पर थानाध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के जरिए डगेमार बसों और दोपहिया वाहनों के जमकर चालान किए गए। पुलिस की इस चेकिंग से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। फिलहाल थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ अग्निपथ योजना से संबंधित युवाओं को जागरूक किया। मैनपुरी शहर के शमशान घाट रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है। शमशान घाट रोड पर बने टूब क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम किया गया। एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। क्षेत्र में प्लॉटिंग कर रहे लोगों पर भी कार्रवाई के लिए सदर एसडीएम शहर कोतवाली को निर्देश दिए। शमशान घाट रोड पर स्थित डूब
क्षेत्र में प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़क को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, तो वहीं बाउंड्री वॉल को भी गिरवाने के साथ अन्य अवैध निर्माण किए गए। डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का आवासीय निर्माण अलाउड नहीं है, ये जन क्षति के लिए भी है और ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ कोई नक्शा नहीं पास हो सकता, इसलिए यहाँ पे अवैध अतिक्रमण के अगेंस्ट अभियान चलाया गया है जैसा कि शासन की मंशा है। यह हमारा जो अभियान है कम से कम भी 15 दिन चलेगा, जहाँ पे हमारा मेन फोकस है उन भूमाफियाओं पे जो अवैध प्लॉटिंग करते हैं, ताकि लोग जब उनका जमीन खरीद लेते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि ये डूब क्षेत्र में है, अतः नुकसान उन लोगों का होता है। तो यहाँ पे मेन फोकस यही है कि अवैध प्लॉटिंग ना होने पाए और इसके लिए ये अभियान चल रहा है। कम से कम भी 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक ये चलेगा और कोशिश ये रहेगी कि हर तरह का अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाए। फरुखाबाद के फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक ने अमृतपुर दोहरे हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की। दरअसल फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक का PRO बन अमृतपुर दोहरे हत्याकांड के पीड़ित से हजारों की ठगी की गई और ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। SOG टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए 3 शातिरों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी और 4 मोबाइल को भी बरामद किया है। ये फरुखाबाद की यहाँ पहली घटना थी इनकी, इससे पहले इन्होंने बाकी अन्य जनपदों में ये घटना की। प्लानिंग इनकी सच ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्लानिंग करते हैं, ये आपस में ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। इनमें से एक आपका कियोस्क चलाता है और इसने वार्ता की और उसने अपने फ़ोन पे पैसे मंगवाए और वहाँ से कैश ट्रांजेक्शन करवा के इसको दे दी। CUG नंबर नहीं, नॉर्मल नंबर से इन्होंने यूज़ किया। बदायूं में टेम्पू चालक ने दुकानदार से किराए के पैसे मांगने पर मारपीट की। मारपीट के मामले में दुकानदार का कहना है कि टेम्पू चालक से सामान उतारने के बाद पैसे देने की बात कही, लेकिन चालक को पैसे पहले चाहिए थे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा और उस बीच टेम्पू चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट को देखते हुए स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी। हरदोई में सांडी थाना क्षेत्र के बहटी चिरागपुर में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। अज्ञात कारणों से आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित पवन सिंह सोमवंशी ने बताया कि वह घर के बाहर गया था, उसी समय अचानक घर में आग लग गई जिसमें घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित पवन के मुताबिक 50,000 कैश, 2 मवेशी, जेवर सहित करीब 5 लाख का सामान जल गया। वहीं ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन काफी देर बाद भी दमकल मौके पर आग बुझाने नहीं पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।